नमस्कार दोस्तों दोस्तों आप सभी का स्ट्रीट जीरो क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं आर्ट एंड कल्चर की सीरीज। दोस्तों ये आर्ट एंड कल्चर की सीरीज को हम लोग नितिन सिंघानिया की बुक से डिस्कस करेंगे। जो भी इसमें कंटेंट दिया हुआ है उसको हम टॉपिक वाइज कवर करने वाले हैं इस सीरीज में। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हम नितिन सिंघानिया की ही बुक से क्यों डिस्कस करेंगे या फिर आर्ट एंड कल्चर की सीरीज को डिस्कस करने की क्या जरूरत है। तो सबसे पहली बात तो नितिन सिंघानिया की बुक से डिस्कस करने का रीजन है क्योंकि ये बुक जो है वो हाईली रिकमेंडेड बुक है फॉर एनी गवर्नमेंट एग्जाम, चाहे फिर वो यूपीएससी कंडक्ट करवाती हो, एसएससी कंडक्ट करवाती हो या कोई भी स्टेट पीएससी कंडक्ट करवाती हो। दूसरी बात ये है कि आर्ट एंड कल्चर का जो वेटेज इंक्रीज होता जा रहा है एग्जाम्स में, काफी क्वेश्चन आते हैं और इसका कॉन्स्टेंटली आपके ऊपर स्ट्रेस बना हुआ रहता है, तो इसीलिए हम इसको यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तीसरी बात, अब आप बोल रहे होंगे कि आर्ट एंड कल्चर तो आप लोगों के पास ऑलरेडी ये बुक है, आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो जो लोग ऑलरेडी इसको कवर कर चुके हैं या पढ़ चुके हैं तो उनके लिए ये फायदा होगा कि वो इस लेक्चर सीरीज के माध्यम से अपना क्विक रिवीजन कर सकते हैं सारे टॉपिक्स का। एंड फोर्थ एंड लास्ट थिंग इज कि आर्ट एंड कल्चर की जो ये सीरीज रहेगी, जिनके पास ये बुक भी है ऑलरेडी, तो आपकी प्रिपरेशन को होलिस्टिक बनाने के लिए इसमें हम लोगों ने बहुत सारे मैप्स और क्या कहते हैं ट्रिक्स का इस्तेमाल किया है जिसके माध्यम से आपके सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सीरीज कि हम इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट बात, ये जो लेक्चर सीरीज आप लोग देख रहे हैं ये हर गवर्नमेंट एग्जाम के हर जो स्टेजेस होते हैं उसको ध्यान में रखते हुए क्रिएट की जा रही है, फिर चाहे आप यूपीएससी के लिए करें प्रिपेरेशन या फिर एसएससी के लिए या फिर किसी भी स्टेट सर्विसेज के लिए, स्टेट पीएससीज के लिए। और इसमें से आपके प्री और मेंस के हिसाब से जो भी फैक्ट्स इंपॉर्टेंट होंगे वो सारे फैक्ट्सों को हम यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं आपको बताता जाऊंगा, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको बताता जाऊंगा, तो इसीलिए आप इस लेक्चर सीरीज को बड़े ध्यान से देखिए। दोस्तों इस स्लाइड से आप मेरे बारे में जान सकते हैं, एक छोटा सा ब्रीफ दिया हुआ है मेरे बारे में। दोस्तों मेरा नाम है आलोक गुप्ता एंड यू कैन गो थ्रू रेस्ट ऑफ द थिंग्स। दोस्तों यहाँ पे एक डिस्क्लेमर है कि आपको वैसे तो इसके सारे लेक्चर्स हमारे YouTube चैनल पे मिल जाएंगे, लेकिन इफ इन केस अगर हमारी कोई भी अगर इसका लेक्चर मिस होता है या नहीं मिलता है या किसी कारण से हमें रिप्लेस करना पड़ जाता है तो वो सारे लेक्चर्स आप www.straightzero.in पे पा सकते हैं। उसके अलावा भी इस वेबसाइट पे विजिट करने के और भी फायदे हैं, जैसे कि आप पुराने साल के पेपर्स की प्रैक्टिस कर सकते हो, मॉक टेस्ट पेपर्स की प्रैक्टिस कर सकते हो और कुछ प्रैक्टिस सीरीज मैंने क्रिएट की है एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए, तो उन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इंटरैक्टिव रहेगा, सॉल्यूशन के साथ रहेंगी वो सीरीज, तो आप उनकी भी प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके अलावा अनदर एडवांटेजेस कि जो इसमें मैंने पीडीएफ इस्तेमाल किया, आर्ट एंड कल्चर की बुक आपके हर किसी के पास होगी लेकिन मैंने जो ये पीडीएफ है इसमें काफी क्या कहते हैं इमेजेस और क्या कहते हैं मैप्स का इस्तेमाल किया है, तो उसी के साथ आपको जो अपडेटेड वर्जन है पीडीएफ का वो भी वहां पे मिल सकता है। उसके अलावा काफी और कोर्सेज भी मैंने क्रिएट किए हैं, जैसे कि जो एनवायरमेंट वाला है जिसके लिए रिकमेंड किया जाता है शंकर आईएएस वाली बुक, वो मैंने वहां पे अपलोड की हुई है उसकी पूरी लेक्चर सीरीज। उसके अलावा लक्ष्मीकांत के ऊपर पूरी मैंने लक्ष्मी सीरीज अपलोड की हुई है। अगर हम बात करें हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री की, तो उसमें जो स्पेक्ट्रम को रिकमेंड किया जाता है वो भी मैंने वहां पे अपलोड किया हुआ है, तो इन सारी सीरीज को भी आप वहां पे देख सकते हैं। अगर आपको कहीं पे कोई डाउट या क्वेरी आए तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8447022777, आप इसके थ्रू इसके माध्यम से मुझसे कॉन्टैक्ट करके अपनी क्वेरी रिजोल्व करवा सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो चलिए हैविंग सेड दैट आज का हम ये लेक्चर शुरू करते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है ये। तो दोस्तों ये जैसा कि अभी आपने देखा कि ये हमारा जो लेक्चर है वो रहने वाला है इंडियन आर्किटेक्चर स्कल्पचर एंड पेंटिंग। दोस्तों ये इस टॉपिक के ऊपर हमारा सिक्स्थ लेक्चर है। अगर हम बात करें अभी तक हम क्या डिस्कस कर चुके हैं तो लेट मी टेल यू, सबसे पहले हम लोगों ने एंशियंट इंडिया के आर्किटेक्चर के बारे में बात की थी, फिर उसके बाद मेडिवल इंडिया और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे मॉडर्न इंडिया के आर्किटेक्चर के बारे में। अगर एंशियंट इंडिया के आर्किटेक्चर की बात करें तो इसको हम लोगों ने पांच कैटेगरी में पढ़ा था। वो पांच कैटेगरी कौन कौन सी हैं? सबसे पहले हम लोगों ने बात की थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के आर्किटेक्चर के बारे में, फिर हम लोगों ने इसके बाद बात की थी मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में, देन पोस्ट मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर, उसके बाद हम लोगों ने बात की थी गुप्ता एज के आर्किटेक्चर के बारे में, एंड एट लास्ट साउथ इंडियन आर्किटेक्चर के बारे में।
फाइन. उसके अगर हम बात करते हैं मेडिवल इंडिया, तो मेडिवल इंडिया में आर्किटेक्चर को हम लोगों ने पढ़ा था दो पीरियड का, एक पढ़ा था दिल्ली सल्तनत के टाइम का और दूसरा पढ़ा था मुगल पीरियड का. दिल्ली सल्तनत में अगर हम लोग बात करें तो इसमें हमने डायनेस्टी वाइज पहले तो इसका क्लासिफिकेशन किया था इंपीरियल स्टाइल और प्रोविंशियल स्टाइल. इंपीरियल स्टाइल को डायनेस्टी वाइज पढ़ा था, जैसे कि स्लेव डायनेस्टी, उसके बाद आती है आपकी खिलजी डायनेस्टी, देन तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी एंड देन लोधी डायनेस्टी. प्रोविंशियल स्टाइल में अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें चार स्टाइल हम लोगों ने पढ़ी थी, अगर आप रिकॉल कर पा रहे हैं तो. सबसे पहले हम लोगों ने बात की थी सॉरी बंगाल स्कूल के बारे में, देन उसके बाद हम लोगों ने बात की जौनपुर, देन बीजापुर एंड मालवा. तो इस तरीके से ये चार प्रोविंशियल स्टाइल भी हम लोगों ने पढ़े थे. मुगल स्टाइल में अगेन हम लोगों ने इसको रीन के बेसिस पे हम लोगों ने इसमें पढ़ाई की थी कि बाबर के टाइम पे क्या डेवलपमेंट हुआ, हुमायूं के टाइम पे क्या हुआ, फिर उसके बाद आपके वो आते शेरशाह सूरी, देन अकबर के टाइम पे क्या हुआ, जहांगीर के टाइम पे क्या हुआ, और क्लाइमेक्स देखा हम लोगों ने किसके, शाहजहां के पीरियड में. उसके बाद औरंगजेब और उनके बेटे आजम शाह के टाइम पे हम लोगों ने आर्किटेक्चर को देखा. इस तरीके से मुगल आर्किटेक्चर समाप्त हुआ था. मुगल के पीरियड के दौरान हम लोगों ने कुछ लोकल या रीजनल स्टाइल भी देखी थी, जैसे कि एक हमने देखा था सिख स्टाइल और दूसरा देखा था राजपूत स्टाइल. आज हम बात करेंगे मॉडर्न आर्किटेक्चर के बारे में और इसी के साथ हमारा ये वाला जो टॉपिक है, सबसे पहला चैप्टर है, वो समाप्त हो जाएगा. मॉडर्न आर्किटेक्चर की अगर हम लोग बात करें तो ये इसकी शुरुआत होती है यूरोपियन के आने से. जो यूरोपियन कॉलोनियलिस्ट आते हैं या फिर ये कह लीजिए मुगल एम्पायर का जो डिक्लाइन होता है, ये दोनों ही इवेंट कॉन्साइड करते हैं. तो मुगल एम्पायर का एक तरफ डिक्लाइन हो रहा था और दूसरी तरफ यूरोपियंस आ रहे थे. यूरोपियंस आते हैं तो इसमें क्या होता है, पावर स्ट्रगल होता है. चार इंपॉर्टेंट क्या कहते हैं पावर्स आती हैं, पोर्चुगीज, डच, फ्रेंच और ब्रिटिश, और उसके बाद डेनिश, मतलब थोड़े और ये डेनिश जो नीदरलैंड है वो भी, वो लोग भी आते हैं लेकिन बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए. और फाइनली ब्रिटिश रूल यानी ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित होता है 1947 तक. अब ये लोग आते हैं तो इससे इंडिया को काफ़ी नुकसान हुए, लेकिन अगर आर्किटेक्चरल वाइज देखा जाए तो इंडिया को बहुत सारे लाभ भी हुए. इन्हीं स्टाइल्स, इन्हीं स्कूल्स, इन्हीं आर्किटेक्चर के बारे में आज हम पढ़ेंगे. शुरू करते हैं पोर्चुगीज के साथ. आपको पता होगा पोर्चुगीज सबसे पहले कब आए थे, 1498 में आए थे, राइट. तो इनके एडवेंट के साथ इनका आर्किटेक्चरल स्टाइल, पोर्चुगीज के साथ आया जो आर्किटेक्चर स्टाइल था, इसका नाम है आइबेरियन. आइबेरियन स्टाइल पेपर में डायरेक्टली पूछ लिया जा सकता है, आइबेरियन स्टाइल हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड और इज क्रेडिटेड टू द इन्फ्लुएंस ऑफ. तो पोर्चुगीज के इन्फ्लुएंस से ही ये आइबेरियन स्टाइल की स्थापना होती है. इस आर्किटेक्चर के अंतर्गत बहुत सारे पोस्ट बनाए गए, ट्रेडिंग पोस्ट, वेयर हाउसेस बनाए गए, जिनको बाद में जाके फोर्टिफाइड टाउन का दर्जा दिया गया. मतलब पहले उन लोगों ने अपने पोस्ट और वेयर हाउस बनाए और बाद में उसी का फोर्टिफिकेशन करके एक तरीके से उसको टाउन का दर्जा दे दिया अलोंग दी वेस्टर्न कोस्ट लाइन, क्योंकि सबसे पहले वो वेस्टर्न कोस्ट पे ही आए थे इसीलिए. तो पोर्चुगीज ने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था जिसका नाम है पेशियो हाउसेस. ये पेशियो हाउसेस होते क्या हैं ये मैं आपको बताना चाहता हूँ. एक्चुअली क्या होता है, एक समूह होता है छोटे छोटे घरों का, उनको एक साथ बना देते हैं और उनका जो एक्सटीरियर होता है वो कॉमन होता है, सो दैट वो एक बहुत ही अच्छा, मतलब चाहे उसका फिर मेंटेनेंस करना हो, डिजाइनिंग करनी हो, बहुत अच्छे से हो जाती है. सो पेशियो हाउसेस का उन्होंने इंट्रोडक्शन किया और उसी के साथ उन्होंने एक और स्टाइल को इंट्रोड्यूस किया, दैट इज ब्रॉक स्टाइल, BROQUE, ब्रॉक स्टाइल को भी इंट्रोड्यूस किया. ये पोर्चुगीज के द्वारा ही इंट्रोड्यूस किया गया था ब्रॉक स्टाइल. क्या होते हैं इसके फीचर्स, इसमें एक्चुअली कुछ नहीं है, कैरेक्टर्स मतलब जो डेवलपमेंट होता है वो थोड़ा सा थीमेटिक होता है. एक तरीके से उसमें चर्च की पावर को दिखाया जाता है कि चर्च कितना इन्फ्लुएंशियल है, बहुत ही ज़्यादा डेकोरेटिव टाइप्स के होते हैं. तो दो चीज़ें इंट्रोड्यूस की, एक पेशियो हाउस और दूसरा ब्रॉक स्टाइल, ये आइबेरियन स्टाइल के ही अंतर्गत आते हैं, ठीक है. तो ये इंट्रोड्यूस किया, आइबेरियन स्टाइल इंट्रोड्यूस की और ये डेवलप हुआ था 16th century में. इसमें क्या होता है, चर्च की स्ट्रेंथ को दिखाते हैं और जो फीचर्स होते हैं वो काफ़ी इलेबरेट, डिटेल और थिएट्रिकल डिज़ाइन टाइप का होता है, कॉन्ट्रास्टिंग कलर होते हैं. यहाँ पे आप देख रहे हो ये पेशियो हाउस का एग्जाम्पल है. उसके अलावा यहाँ पे ये जो फोटो देख रहे हो वो दिखाता है ब्रॉक स्टाइल को, कितने कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स हैं आप देख सकते हो, और एक तरीके से चर्च को मैंने दिखाया है सो दैट याद रहे. इनके अगर कुछ नोटेबल कंस्ट्रक्शंस की बात करें तो ज़्यादातर भी आपको पता होगा पोर्चुगीज जो थे, जो इंडिया आए थे, उनका मेन एजेंडा था अपने रिलीजन को बहुत ज़्यादा फैलाना, और इसी के चलते हुए जो पोर्चुगीज फादर्स या पोप वगैरह होते थे वो अकबर से भी मिले थे. अकबर ने उनको समन किया था अपने कोर्ट में, तो ये लोग वहाँ पे भी मिले गए थे. उनकी पूरी मुहिम थी कि वो अकबर को कन्वर्ट करवा दें. अच्छा, तो कुछ कंस्ट्रक्शंस जैसे कि सेंट कैथेड्रल जो चर्च है गोवा में,
जिसका कंस्ट्रक्शन 1619 में कंप्लीट हुआ था, ये पोर्चुगीज के, इट हैज बीन बिल्ट इन पोर्चुगीज लेट गोथिक स्टाइल। ये जो लेट गोथिक स्टाइल लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है? गोथिक स्टाइल कुछ नहीं है एक्चुअली, ये इंडिया में जो अभी अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे थोड़ी देर में, चलो वहीं पे बात करते हैं। तो ये उसी स्टाइल के बारे में मेंशन है। यहाँ पे एक गोल्डन बैल भी है, तो यहाँ पे इसका डायग्राम बना दिया मैंने। नाउ बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस, ये भी गोवा में है, क्योंकि इनकी एक तरीके से गोवा कॉलोनी हुआ करती थी, इसीलिए ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन गोवा में ही है। ये जो बेसिलिका है, बेसिलिका चर्च, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो कि ब्रॉक स्टाइल में बनी हुई है, और 1604 में इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ था। यहाँ पे ऐसा बोला जाता है इनके एक पादरी यानी फादर थे फ्रांसिस जेवियर, उनकी बॉडी को रखा गया है। उसके अलावा कैस्टेला डी एगोंडा, एगोंडा ठीक है, कैस्टेला डी एगोंडा ये मुंबई में है। सेंट पॉल्स चर्च ड्यू में है, ब्रॉक स्टाइल में 1610 में बनी थी। ड्यू फोर्ट जो है, ड्यू का आपने अभी अगर आप करंट अफेयर कवर कर रहे होंगे तो आपने पढ़ा होगा कि जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है उस बोर्ड डिसाइड कर रही है कि दमन एंड दीव और दादर नगर को कंबाइन करके एक यूनियन टेरिटरी बना दे, राइट? तो ऐसा अभी प्रोविजन चल रहा है। तो जो दीव का फोर्ट है वो 1535 में उसका निर्माण कंप्लीट हुआ था। ये दीव आइलैंड में है, वहां पे लाइट हाउस भी है। उसके अलावा कैनन्स लगाए गए हैं, तीन चर्च है उसके अंदर। उसके अलावा एक और चर्च है, चर्च ऑफ सेंट एने, ये भी गोवा में है, ब्रॉक स्टाइल में बनी है, 1695 में इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं फ्रेंच इन्फ्लुएंस की। आपको पता है फ्रेंच भी कॉलोनियलिस्ट थे, ये भी इंडिया आए हुए थे, ठीक है। फ्रेंच ऐसे कॉलोनियलिस्ट थे, ये इंडिया में सबसे लास्ट में आए थे और सबसे पहले इंडिया को छोड़ के चले गए थे, राइट? तो इनके बारे में भी याद रखना। फ्रेंच इन्फ्लुएंस की अगर बारे में बात करें तो फ्रेंच अपने साथ लाए थे अर्बन सिटी प्लानिंग का कॉन्सेप्ट इंडिया में, अर्बन सिटी प्लानिंग का कॉन्सेप्ट। फ्रेंच के द्वारा बनाए हुए या स्थापित किए हुए टाउन्स की बात करें तो उनमें नाम आता है पौंडीचेरी का, चंद्रनागौर का, जिनको इन्होंने, चंद्रनागौर कहां पे, वेस्ट बंगाल है, जिसको इन्होंने बिल्ड किया कार्टेशियन ग्रिड प्लान के हिसाब से और साइंटिफिक आर्किटेक्चरल डिजाइन के बेसिस पे। इनकी जो बिल्डिंग है वो बहुत ही ज्यादा इंपोजिंग टाइप की थी, मतलब एक तरीके से पावर शो ऑफ करती थी वो। और इनका जो आर्किटेक्चर होता था काफी एनोनिमस है। एनोनिमस का मतलब क्या होता है कि उसका जो एकदम जो फ्रंट होता है वो बहुत ज्यादा सिंपल होता है, कोई डेकोरेशन वगैरह नहीं होता है, ठीक है। इन्होंने माहे कराई काल, तो जितनी भी ये जो क्या कहते हैं पुंडुचेरी वाला पार्ट हो गया या ये जो आपको मैंने जगह बताई चंद्रनागौर वगैरह, यहीं पे फ्रेंच की कॉलोनी थी, तो वहीं पे इन्होंने डेवलपमेंट भी करवाया। तो ये देख रहे हो फ्रेंच बिल्डिंग दी हुई है ये पहले वाले फोटो में, कितनी सिंपल सी है, तो इसीलिए इसको एनोनिमस आर्किटेक्चर भी बोलते हैं, ठीक है। और कार्टेशियन और साइंटिफिक क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो एक प्रॉपर लाइन के साथ ज्योमेट्रिकल फिगर्स वगैरह आप देख सकते हो। चर्च ऑफ सेक्रेड हार्ट ऑफ जीसस जो कि पुडुचेरी में है। उसके अलावा अब हम बात करते हैं ब्रिटिश इन्फ्लुएंस की। तो ब्रिटिश अपने साथ लाते हैं गोथिक स्टाइल, जो अभी थोड़ी देर पहले नाम आया था ना, हम लोग बात कर रहे थे जब चर्च की, बेसिलिका चर्च की, जो कि गोथिक स्टाइल में बनी हुई है, तो उसी के बारे में। तो ब्रिटिश अपने साथ लेके आए गोथिक स्टाइल, और ये गोथिक स्टाइल को जब इंडियन स्टाइल के साथ मर्ज करते हैं तो बन जाती है इंडो गोथिक स्टाइल, और ये तो था ही था। उसके अलावा 1911 के बाद इंडिया में एक और स्टाइल डेवलप होती है आर्किटेक्चरल स्टाइल, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यो रोमन स्टाइल। इनके क्या फीचर्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। इंडो गोथिक स्टाइल की बात करें तो इसको विक्टोरियन स्टाइल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? विक्टोरियन स्टाइल। विक्टोरियन स्टाइल एक तरीके से ब्लेंड है, एक मिश्रण है, किसका? इंडियन स्टाइल का, पर्शियन स्टाइल का, पर्शियन जो मुगल्स के साथ आई थी, और तीसरी गोथिक स्टाइल जो ब्रिटेन लेके आए। तो इन तीनों को मिला दिया गया है इंडो गोथिक स्टाइल में, ठीक है। इंडो गोथिक स्टाइल को ही विक्टोरियन स्टाइल भी बोलते हैं। इसके कुछ फीचर्स ऐसे हैं जैसे कि इसमें जो कंस्ट्रक्शन किया जाता है वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है, बहुत ही ज्यादा, एक्सट्रीमली लार्ज। वॉल्स जो होती हैं काफी पतली होती हैं, इंडो इस्लाम में जो कंस्ट्रक्शन था उससे भी ज्यादा पतली वॉल्स यानी दीवारें होती हैं। आर्च जो होते हैं वो काफी पॉइंटेड होते हैं, जबकि अगर हम इंडो इस्लामिक के टाइम की बात करें तो जो आर्चेस हुआ करती थी वो थोड़ी सी कर्व टाइप की हुआ करती थी। उसके अलावा इसमें लार्ज विंडोज होती हैं, लार्ज विंडोज, जो मांडू स्कूल के बारे में जब हम लोग बात कर रहे थे ना, तो हमने वहां पे बात की थी कि वहां पे लार्ज विंडोज होती हैं। तो अब आप देख सकते हो कि ये इंडो गोथिक स्टाइल का एक फीचर है। उसके बाद ग्राउंड प्लान जो है वो क्रूसीफाइड है। उसके अलावा इसमें ये स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का काफी ख्याल रखते हैं, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का, स्टैंडर्ड्स ऑफ ब्रिटेन, और उसके अलावा स्टील, आयरन और पोर्ड कॉन्क्रीट का भी इस्तेमाल करते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें तो जैसे विक्टोरिया मेमोरियल इन कोलकाता, गेटवे ऑफ इंडिया इन मुंबई, दीज आर दी एग्जाम्पल ऑफ इंडो गोथिक स्टाइल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बड़े बड़े सी विंडोज हैं, पॉइंटेड आर्च हैं, जो दीवार हैं वो काफ़ी पतली हैं, ठीक है, और जो बिल्डिंग्स हैं काफ़ी बड़ी हैं, मैग्निफिसेंट टाइप की हैं।
कॉन्क्रीट वगैरह का इन लोगों ने इस्तेमाल किया होगा, वो तो अब इसके अंदर है तो वो दिखा नहीं सकते। अब हम कंपेयर करते हैं कि आइबेरियन और गोथिक आर्किटेक्चर में डिफरेंस क्या होता है। आइबेरियन वही आर्किटेक्चर है जो पोर्चुगीज अपने साथ लाए थे, और गोथिक है जो ब्रिटेन अपने साथ लेके आए थे, ब्रिटिशर्स लाए थे। अब इसको दो बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हो, एक तो मटेरियल, जो पोर्चुगीज स्टाइल है आइबेरियन स्टाइल उसमें ब्रिक का इस्तेमाल होता है और कहीं कहीं पे छत या जीने बनाने के लिए वुड का इस्तेमाल होता है, जबकि अगर गोथिक स्टाइल की बात करें तो इसमें रेड सैंडस्टोन जो कि मुगल्स के टाइम में काफी यूज हो रहा था और लाइमस्टोन का इस्तेमाल होता है। अगर हम बात करें स्ट्रक्चरल वेरिएशन की, तो देखिए आइबेरियन आर्किटेक्चर ने क्या किया कि जो उनके वेस्टर्न पार्ट में मतलब जो पोर्चुगल में चल रहा होगा उसी को कंटिन्यू किया, कुछ भी नया इंट्रोड्यूस नहीं किया। जबकि गोथिक आर्किटेक्चर में क्या हुआ, ब्रिटेन ने कुछ इंडिया के भी उसमें मोटिव को, जो इंडिया में मूर्तियां बनाते हैं, स्कल्पचर्स बनाते हैं, उनको भी अपना लिया था और इसीलिए इंडो गोथिक स्टाइल बन गई थी। नियो रोमन की बात करते हैं, नियो रोमन वही आर्किटेक्चरल स्टाइल है जो इंडिया में 1911 के बाद डेवलप होती है। कब? 1911 के बाद, ठीक है। तो 1911 के बाद स्टार्ट होती है, जैसे कि न्यू दिल्ली का जो आर्किटेक्चर है वो किसने बनाया था, इन दोनों का नाम याद रखना है आपको, एक तो एडविन लुटियंस और दूसरा हर्बर्ट बेकर। क्या नाम है? एडविन लुटियंस। दूसरा क्या नाम है? हार्बर बेकर। इन दोनों ने ही जो आर्किटेक्चर है वो डिजाइन किया है, कहां का? न्यू दिल्ली का। इसीलिए जो दिल्ली है उसको रोम ऑफ हिंदुस्तान भी बोला जाता है, रोम ऑफ हिंदुस्तान, तभी यहीं से नाम निकलता है, न्यू रोमन स्टाइल या नियो रोमन स्टाइल, ठीक है, नियो रोमन स्टाइल, रोम ऑफ हिंदुस्तान यानी दिल्ली। किसने डिजाइन किया दिल्ली का आर्किटेक्चर? एडविन लुटियंस और हार्बर बेकर। इस नियो रोमन स्टाइल के फीचर्स की बात करें तो कंस्ट्रक्शन जो होता है एनोनिमस, मतलब बहुत फ्रंट बहुत ही ज्यादा सिंपल टाइप का होगा, कोई भी इंटरेस्टिंग फीचर नहीं। यहां पे जो है नियो रोमन स्टाइल में एक तरीके से कंजेशन देखने को मिलता है, क्योंकि इन्होंने ना बहुत सारी स्टाइल का मिक्सचर बना दिया है, तो इसीलिए इसमें जो आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन है वो बहुत दब गया है। मॉडर्निटी और यूटिलिटी बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज की गई है जस्ट बिकॉज ऑफ दी हाइब्रिड नेचर, बहुत सारी चीजों को इन्होंने मिला दिया तो ना मॉडर्निटी दिखती है और ना ही यूटिलिटी दिखती है। उसके अलावा यहाँ पे ये लोग ज्यादातर जो बिल्डिंग बनाते थे वो सर्कुलर बिल्डिंग्स हुआ करती थी, ठीक है, जैसे हमारा पार्लियामेंट है आपने देखा होगा सर्कुलर है। ओवर यूज ऑफ और ओरिएंटल मोटिव्स, जो इंडियन ओरिएंटल का मतलब क्या होता है, जो ईस्टर्न पार्ट है, मतलब जैसे इंडिया वगैरह हो गए ना, मैप में देखते होंगे जो ईस्टर्न पार्ट की कंट्रीज है वहां की जो लिटरेचर वगैरह होता है उसको ओरिएंटल बोलते हैं, तो ओवर यूज ऑफ ओरिएंटल मोटिव, ठीक है। उसके अलावा अपटर्नड डोम, अपटर्नड डोम का मतलब क्या होता है, ये जो जैसे आप ये डोम देख रहे हो ना, एक्चुअली इट इज नॉट एग्जैक्टली डोम, इसमें ये लोग क्या करते हैं, जो सेंट्रल पार्ट है वहां पे अच्छे से लाइट वगैरह आए तो इस तरीके का एक शैलो टाइप का डोम बना देते हैं सो देट वहां पे लाइट वगैरह आ सके, वेंटिलेशन हो सके। तो अपटर्नड डोम का भी कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है न्यू रोमन स्टाइल में। सेम आप सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग के ऊपर देख सकते होगे और सेम ही चीज आप राष्ट्रपति भवन के ऊपर देख सकते हो। अदरवाइज अगर जो नॉर्मल डोम होता है तो वो पूरे की पूरी बिल्डिंग के ऊपर होता है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे अगर बिल्डिंग इतनी बड़ी है तो डोम इतना सा होगा, वो सिर्फ उसका कुछ अलग ही पर्पस होता था। पर्पस क्या होता था कि लाइट वगैरह अच्छे से आ सके। तो क्या है आपके नियो रोमन के स्टाइल के फीचर्स, अगर हम बात करें तो एनोनिमस कंस्ट्रक्शन है, उसके अलावा कंजेस्टेड है, मॉडर्निटी यूटिलिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है, उसके अलावा सर्कुलर बिल्डिंग्स हैं, ओरिएंटल मोटिव्स का ओवर यूज है और अपटर्नड डोम, एग्जाम्पल सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति भवन। अब हम बात करते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया इंडियन आर्किटेक्चर के बारे में, इंडिया जब आजाद हो जाता है। इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, देखो 1947 के बाद इंडिया में दो आर्किटेक्चरल स्कूल जन्म लेते हैं, एक है रिवाइवलिस्ट और दूसरा है मॉडर्निस्ट। दोनों ही के दोनों स्कूल जो हैं वो कॉलोनियल हैंगओवर से प्रेरित थे, मतलब जो हमारे ब्रिटिश साम्राज्य में जैसा कंस्ट्रक्शन चल रहा था उसी के एलिमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं, और इसीलिए हमारा जो इंडिया का खुद का इंडिजिनस आर्किटेक्चरल ट्रेडिशन था उसमें एक तरीके से डिक्लाइन देखने को मिलता है, क्योंकि हमारा अगर हम एंशिएंट इंडिया मेडिवल इंडिया की बात करें तो उसमें कितने अच्छे कंस्ट्रक्शन हुए थे, लेकिन अब हम अगर पोस्ट इंडिपेंडेंस देखते हैं तो कोई इतना बहुत प्रभावी कंस्ट्रक्शन देखने को नहीं मिलता है। जैसे कि अगर हम पंजाब गवर्नमेंट की बात करें, उन्होंने एक आर्किटेक्ट हुआ करते थे फ्रेंच आर्किटेक्ट जिनका नाम है ली कार्बोसियर। क्या नाम है? स्पेलिंग याद कर लीजिए, ली सी ओ आर कार बस ईयर, ठीक है। इन्होंने चंडीगढ़ की सिटी का डिजाइन प्लान किया था, आर्किटेक्ट किया था, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, ली कार्बोजियर, फ्रेंच आर्किटेक्ट, चंडीगढ़। फिर आते हैं एक और आर्किटेक्ट है जिनका नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉरी बेकर, जिनको आर्किटेक्ट ऑफ द पुअर बोला जाता है, लॉरी बेकर। इन्होंने मास हाउसिंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था केरला में, इसी के लिए इनको 2006 में प्रिट्जकर प्राइज भी मिला है, मतलब इसी के लिए नहीं, इन जनरल प्रिट्जकर प्राइज को आप समझ सकते हो आर्किटेक्चर की फील्ड का नोबल प्राइज, हर साल दिया जाता है ये, इस साल 2020 की बात करें तो ये मई महीने में दिया जाना है, ठीक है।
तो ये प्रिस्गर प्राइज जो है नोबल प्राइज होता है आर्किटेक्चर का, जो इनको लॉरी बेकर साहब को मिला हुआ है। इनके अगर कुछ फीचर्स की बात करें तो जैसे कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली बिल्डिंग्स बनाई हैं इन्होंने, वो भी लोकली अवेलेबल मटेरियल से। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज फिलर स्लैब कंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल किया हुआ है। आपने घर पे देखा होगा जब भी घर पे कॉलम्स वगैरह बनते हैं तो वहां पे ऐसे स्टील की रॉड या आयरन की रॉड्स होती हैं, उसके बीच में सीमेंट भर देते हैं। सो फिलर स्लैब कंस्ट्रक्शन किया है सो दैट स्टील और सीमेंट का कम इस्तेमाल हो। उसके अलावा वेंटिलेशन और थर्मल कंफर्ट का भी काफी ध्यान रखा गया है इनकी आर्किटेक्चरल स्टाइल में। कौन है? लॉरी बेकर, जिनको आर्किटेक्ट ऑफ द पुअर और जिन्होंने कहां पे मास हाउसिंग का काम किया है केरला में। क्लियर है? ये रहे आपके लॉरी बेकर साहब और ये मास हाउसिंग का एक एग्जाम्पल। अब बात करते हैं चार्ल्स कोरिया के बारे में। चार्ल्स कोरिया जो हैं वो भी एक आर्किटेक्ट हैं। इन्होंने अर्बन आर्किटेक्चर और स्पेशियल प्लानिंग के कॉन्सेप्ट पे काम किया है। इन्होंने मॉडर्न आर्किटेक्चरल प्रिंसिपल को अडॉप्ट किया और लोकल सेंसिबिलिटी और नीड को ध्यान में रखते हुए दोनों को चीज़ों को मिला दिया। मतलब मॉडर्न आर्किटेक्चरल स्टाइल और जो लोकल नीड्स हैं, मतलब बोलते नहीं है थिंक ग्लोबल रिएक्ट लोकल और डिड लोकल एक्ट लोकल, मतलब उस तरीके का कॉन्सेप्ट ये लेके आए। जैसे कि मध्य प्रदेश की जो लेजिस्लेटिव असेंबली की बिल्डिंग है वो इन्होंने डिजाइन किया। किसने? चार्ल्स कोरिया। ये उनकी फोटो रही चार्ल्स कोरिया। महात्मा गांधी मेमोरियल म्यूजियम जो अहमदाबाद में है वो भी चार्ल्स कोरिया के द्वारा ही डिजाइन किया गया है। कनॉट प्लेस दिल्ली का वो भी इन्हीं के द्वारा डिजाइन किया गया है। इनको पद्म विभूषण का अवार्ड मिला था 2006 में। तो इसी तरीके से हमने अभी तक प्री हिस्टोरिक टाइम से लेके आज के मॉडर्न टाइम तक और सारे इन्फ्लुएंसेस को देखते हुए ग्रीक अरब पर्शियन या यूरोपियन सबको अच्छे से एक एक करके देखा और समझा, सारे फैक्ट भी याद कर लिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सेम वीडियो को 2 से 3 बार देख लेना है और इस चैप्टर की एक बार रीडिंग कर लेनी है और इसके जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस आप बुक में भी कर सकते हो या फिर स्ट्रेट जीरो की वेबसाइट पे चले जाओ, वहाँ पे इंटरैक्टिव टेस्ट सीरीज यानी मॉक टेस्ट सीरीज बनाई हुई है या फिर क्या कहते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जहाँ पे आप अटेम्प्ट कर सकते हो ताकि आपको पता चल सके आपने कितने सही और कितने गलत क्वेश्चंस के जवाब दिए। ठीक है, जैसे देखो अभी मैं इन लेक्चर सीरीज में क्वेश्चंस डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, अगर आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे आपको लगेगा तो मैं इनको डिस्कस कर दूंगा वंस हम इस पूरी बुक को डिस्कस कर लें एक बार। ठीक है, तो पहले हम बुक को डिस्कस करेंगे और अगर आप लोगों की रिक्वेस्ट रही, अगर आप लोगों को जरूरत लगी तो मैं इसको भी डिस्कस कर दूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल क्या रहेगा डिस्कशन में, जैसे ये क्वेश्चन है, अब आप खुद कर सकते हो। क्वेश्चन में ये पूछा है ये सारे पेयर दिए हुए हैं और कौन सा करेक्टली मैच है, शायद यही है करेक्टली, यस विच ऑफ देम इज करेक्टली मैच्ड। तो बोधगया बागेलखंड, खजुराहो बुंदेलखंड, शिरडी विदर्भा, नासिक मालवा और तिरुपति रायलसीमा, क्या ये सही है? ये तो बहुत ही गलत है। बागेलखंड एमपी में है और बोधगया बिहार में है तो गलत हो जाता है। खजुराहो बुंदेलखंड, यस ये सही है। शिरडी और विदर्भा, तो अगर आप महाराष्ट्र का मैप देखते हो तो महाराष्ट्र का मैप कुछ इस टाइप से जाता है, ठीक है ना। तो विदर्भा यहां से शुरू होता है जिसमें आता है आपका छत्तीसगढ़ और थोड़ा बहुत यहां आंध्र प्रदेश वाला पार्ट, और जबकि शिरडी कहीं यहीं यहां कहीं पे है तो ये भी गलत हो जाता है। नासिक मालवा में लिखा हुआ है, नासिक यहां पे है महाराष्ट्र में और मालवा जो है मध्य प्रदेश में आता है तो ये भी गलत हो गया, तीनों ही गलत हो गए। तिरुपति रायलसीमा, अच्छा हाँ ये सही है, तो फर्स्ट और फिफ्थ सही हो गया। तो इस तरीके का जो डिस्कशन है हम वो अपने, अगर आप लोगों को जरूरत लगेगी तो हम इसका कर लेंगे। ठीक है, तो सही आंसर हो जाता है आपका 2 और 5। दो हिस्टोरिकल प्लेसेस के बारे में दिया है, अजंता और महाबलीपुरम के बारे में। आपको यह बताना है, 3 पॉइंट है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। देख लेते हैं एक और क्वेश्चन को सो दैट आपको समझ में आ जाए कि जो हमने आज पढ़ा है अब तक पढ़ा है क्या काम का है या नहीं। अजंता हमें पता है भाई, अजंता 29 केव है, बुद्धिस्ट केव्स हैं और ये बनाई गई थी 2nd BC से लेके 650 AD तक, राइट। महाबलीपुरम की बात करें तो जिसको हमने मामलापुरम, अगर आपको याद हो तो ये सारी हिंदू आर्किटेक्चर है महाबलीपुरम का, 7th-8th century का है, ठीक है ना। और बाकी रॉक कट है, अजंता भी रॉक कट है। तो देखो बोथ वर बिल्ट इन द सेम पीरियड, नहीं भाई बिल्कुल ही अलग है। बोथ बिलोंग टू द सेम रिलीजियस डोमिनेशन, नहीं, एक बुद्धिस्ट है और एक हिंदू है। बोथ हैव रॉक कट मॉन्यूमेंट्स, यस, तो सही आंसर हो जाता है 3। तो इस तरीके से आपको ये सारे अटेम्प्ट करने हैं। तो इसी का पूरा मैंने डिस्कशन वगैरह जो है या जो क्वेश्चंस हैं इन्हीं सेम क्वेश्चंस को स्ट्रेट जीरो की वेबसाइट पे डाल दिया है, वहां पे आप जाके इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। इंटरैक्टिव टाइम के साथ स्कोर वगैरह भी आ जाएगा आप लोगों का, तो आप वहां पे प्रैक्टिस कर लेना, फाइन। अगर आप लोगों को लगता है तो आप रिक्वेस्ट करना या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि शुड वी डिस्कस क्वेश्चंस और नॉट, तो हम कर लेंगे। अभी तो हम सारे लेक्चर्स का डिस्कशन करेंगे सो दैट आपका क्विक रिवीजन हो सके। और अपने इन लेक्चर्स को रेट और रिव्यू करते रहो, सजेशन देते रहो, फीडबैक देते रहो, फाइन। सी यू नेक्स्ट लेक्चर।
तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये जो आज का लेक्चर था वो समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर और ये जो सीरीज है काफी पसंद आ रही होगी। दोस्तों इस लेक्चर को इत्मीनान के साथ और फुल कंसंट्रेशन के साथ देखने के लिए, अपना समय देने के लिए थैंक यू वेरी मच। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। दोस्तों अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे या आपको कोई क्वेरी हो या फिर आपके पास कोई सजेशन हो जिसकी माध्यम से हम इस लेक्चर सीरीज को और ज़्यादा अच्छा और उम्दा बना सकते हैं, कंप्लीट बना सकते हैं, तो आपके सजेशंस वेलकम है। आप मुझे अपने सजेशंस, क्वेरीज या कमेंट्स इस ईमेल आईडी पे straightzero1990@gmail.com पर लिख सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन दस विदानियां।